नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी रिचुअल्स में आपका स्वागत है। श्रावण बेलगोला कर्नाटक प्रदेश में मैसूर से करीब 100 किलोमीटर दूर श्रावण बेलगोला एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। वहां एक सरोवर है जो चंद्रगिरी और विंध्यागिरी नामक दो पहाड़ियों के बीच में है। इसी सरोवर का नाम बेलगोला अर्थात श्वेत सरोवर है। अपनी प्राकृतिक रमणीयता और शांत वातावरण के कारण यह स्थान जैन श्रमणों यानी साधुओं को अत्यंत प्रिय है। वे यहाँ बड़ी संख्या में रहते थे, इसलिए इस स्थान का नाम श्रावण बेलगोला पड़ा। चंद्रगिरी नामक पहाड़ी का पुराना नाम करवक्र बताया जाता है। कहा जाता है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ आकर कुछ समय तक तपस्या की थी, तभी इससे इसका नाम चंद्रगिरी पड़ गया। चंद्रगिरी पर्वत का भी धार्मिक महत्व है। इस पहाड़ी पर एक घेरे में 14 जैन मंदिर हैं। दूसरी पहाड़ी विंध्यगिरी को इंद्रगिरी भी कहा जाता है। श्रावण बेलगोला की महत्ता इसी पहाड़ी पर स्थित भरतेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति के कारण है। यहाँ पर एक चट्टान को तराश कर भगवान बाहुबली को 57 फुट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। एक चट्टान को तराश कर बनाई हुई इतनी विशाल मूर्ति संसार भर में कहीं और नहीं है। यह मूर्ति 1000 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। तब धूप वर्षा और आंधी तूफानों के बीच खुले में होने पर भी इसके सौंदर्य पर इन चीजों का आज तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। विश्व भर में यात्री इस अद्वितीय मूर्ति के दर्शन के लिए वर्ष भर आते रहते हैं। प्रति 12 वर्षों बाद यहाँ एक विशाल समारोह होता है जिसे मूर्ति का महामस्तकाभिषेक कहते हैं। इस अभिषेक के समय श्रावण बेलगोला में अपार भीड़ होती है। भगवान बाहुबली की मूर्ति के सामने 3 ओर का परकोटा सूत्रालय कहलाता है। इसमें भी छोटी छोटी अनेक दर्शनीय मूर्तियां स्थापित है। श्रावण बेलगोला में भट्टार पीठ नामक एक जैन गद्दी है। यहाँ की सामान्य व्यवस्था की देखरेख इस गद्दी के भट्टारक करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में बाहुबली की बड़ी शिक्षाप्रद कथा था। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभनाथ जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। अयोध्या इनकी राजधानी थी। राजा ऋषभनाथ के पुत्रों में बड़े का नाम भरत एवं सबसे छोटे का नाम बाहुबली था। ऋषभनाथ जी को जब वैराग्य हो गया तो उन्होंने युवराज भरत को राजगद्दी सौंप दी और अन्य राजकुमारों को जागीरें दे दी। बाहुबली को अयोध्या के निकट पोदनपुर का राज्य मिला। कुछ समय उपरांत भरत ने चक्रवर्ती बनने के लिए अपनी विशाल सेना को विजय अभियान पर भेजा। कुछ ही दिनों में सब राजाओं ने भरत की अधीनता स्वीकार कर ली। उनके अन्य भाइयों ने तो इसे मान लिया, परंतु बाहुबली ने इसके लिए इनकार कर दिया। जनता को युद्ध के परिणाम स्वरूप अपार कष्ट न हो, इसलिए दोनों राजाओं ने द्वंद्व युद्ध का निर्णय लिया। इसके लिए दृष्टि युद्ध, जल युद्ध एवं मल युद्ध करने का निश्चय हुआ। इस युद्ध में बाहुबली विजयी हुए। उस युद्ध में विवेक शून्य भरत ने धोखे से बाहुबली पर चक्र का प्रहार किया, परंतु न्याय के पथ पर चलने वाले बाहुबली का वह चक्र कुछ न बिगाड़ सका। भले ही अब बाहुबली संपूर्ण राज्य के स्वामी थे, परंतु धोखे से चक्र प्रहार की घटना से उनके अंतर मन में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उनका मन संसार से विरक्त हो गया। वे अपने माता पिता की भांति राजपाट छोड़कर तपस्या करने चले गए। बाद में भरत भी उनसे मिलने गए। बाहुबली ने कैलाश पर्वत पर जाकर मोक्ष प्राप्त किया। भरत ने पोदनपुर में बाहुबली की मूर्ति स्थापित करवाई। बाद में उस मूर्ति का कुछ पता नहीं चला। श्रावण बेलगोला की विशाल मूर्ति उसी अवस्था की है। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदी रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है।